हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है दिल्ली इज़ नॉट फार। हिंदी में आपने सुना होगा अब दिल्ली दूर नहीं, जिसका मतलब है कि मंजिल अब दूर नहीं, मिलने ही वाली है, करीब ही है। सो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन इज़ नॉट वेरी फार, आपकी मंजिल जो है आपसे बहुत दूर नहीं है, करीब है। इस टॉपिक के ऊपर ये अच्छी सी स्टोरी पढ़ेंगे, साथ ही वर्ड मीनिंग्स नए हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, नए आपको सीखने के लिए मिलेंगे। ओवरऑल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इन अ स्मॉल डस्टी टाउन नेम्ड पीपल नगर। सो स्मॉल, छोटा, डस्टी, ये एडजेक्टिव है जो कि टाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो ये शहर था वो धूल भरा था, डस्ट से भरा हुआ था, डस्टी। सो एक छोटे से धूल भरे शहर में पीपल नगर नाम के अ यंग राइटर अरुण, एक युवा लेखक, राइटर लेखक अरुण नाम का, ड्रेम्ट ऑफ, सपने देखा करता था, मेकिंग इट बिग इन द वर्ल्ड। ये जो है मेक इट बिग, ये बिग वर्ड की एक फ्रेज़ है, मेक इट बिग, और इस फ्रेज़ का मतलब होता है टू बिकम वेरी सक्सेसफुल और फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध होना और सफल होना, मेकिंग इट बिग, टू बिकम वेरी सक्सेसफुल और फेमस। सो यहाँ पे अरुण के लिए बोला गया है कि वो सपने देखा करता था ऑफ मेकिंग इट बिग इन द वर्ल्ड, दुनिया में कुछ बड़ा करने का सपना देखा करता था। और यहाँ पे ड्रीम का सेकेंड फॉर्म है ड्रेम्ट, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का। ही स्पेंड हिज डेज, वो बिताता था अपने दिन, ये भी जो है स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है, SPEND, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका पास्ट टेंस हो गया स्पेंड, सेकेंड फॉर्म। ही स्पेंड, बिताता था अपने दिन राइटिंग स्टोरीज, कहानियाँ लिखते हुए, इन अ क्रैम्प्ड रूम। क्रैम्प्ड मतलब जो बहुत तंग, संकरा, जिसमें कम स्पेस होती है, उस टाइप के कमरे में, विद ब्रोकन फर्नीचर, जिसमें कि टूटे फूटे फर्नीचर भी रखे गए थे। सो यहाँ क्रैम्प्ड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज्ड है कि वो कमरा कैसा था, क्रैम्प्ड था, संकरा था, तंग था, विद ब्रोकन फर्नीचर, और फर्नीचर भी वहाँ पे टूटा फूटा था, ये भी एडजेक्टिव है, ये दोनों क्रैम्प्ड एंड ब्रोकन एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। फिर से पढ़ लेते हैं हमारी लाइन। He spent his days writing stories in a cramped room with broken furniture. वो बिताता था अपने दिनों को कहानियाँ लिखते हुए एक संकरे कमरे में जिसमें कि टूटा फूटा फर्नीचर रखा हुआ था। दो, he had little to call his own. दो means हालांकि, he had little, उसके पास कम था, to call his own, अपना कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। यहाँ पे भी देखिए little अगर बिना आर्टिकल के लगे, अ लिटिल, द लिटिल, ये आर्टिकल्स के बिना लगे सो उसका मतलब नेगेटिव होता है, न के बराबर। दो ही हैड लिटिल टू कॉल हिज ओन, हालांकि उसके पास अपना कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अरुण्स स्पिरिट वॉज अलाइव विद ड्रीम्स, स्पिरिट यहाँ पे है कि उसकी आत्मा अलाइव, जीवित थी, विद ड्रीम्स, सपनों के साथ। तो हालांकि उसके पास कुछ खास तो था नहीं अपना कहने के लिए, लेकिन फिर भी जो उसकी आत्मा थी वो सपनों से जीवित थी, सपने भरे हुए थे उसमें। एंड हिज हार्ट, और उसका दिल, फिल्ड विद होप, आशा से भरा हुआ, बीट फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए धड़कता था। यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, दो ही हैड लिटिल टू कॉल हिज ओन, फिर पॉज है, कॉमा दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर से कॉमा दिया हुआ है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली गई है कि हालांकि ज़्यादा कुछ तो था नहीं अपना कहने के लिए, अरुण फिर भी उसकी स्पिरिट जो थी, आत्मा, वो सपनों से सजी हुई थी। एंड उसका दिल, हार्ट, फिर से देखिए यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, और उसका दिल जो कि फिल्ड विद होप, आशा से भरा हुआ था, वो अब आगे देखिए, बीट फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए धड़कता था। अब फिर से दिल्ली के लिए और बोला गया है, द सिटी, एक ऐसा शहर, वेयर ही बिलीव्ड, जहाँ उसका मानना था, फेम अवेटेड हिम, फेम है यश, ठीक है, जहाँ पे यश उसका इंतज़ार कर रहा था, अवेटेड मतलब इंतज़ार करना। एवरी डे ही वुड शेयर हिज ड्रीम्स विद सूरज, हर दिन वो अपने सपनों को, वुड शेयर
मीन्स साझा किया करता था या बांटा करता था विद सूरज, सूरज के साथ। अब सूरज के बारे में और जानकारी दी गई है, कॉमा है ये, हिज बेस्ट फ्रेंड एंड अ पेंटर हु पेंटेड साइंस अराउंड द टाउन। सो जो कि उसका सबसे अच्छा मित्र था, फ्रेंड था और पेंटर था, वो चित्रकार था, पेंटर हु पेंटेड। ये देखिए क्लॉज है ये जो इसके बारे में और जानकारी दे रहा है कि जो कि पेंटेड पेंट किया करता था साइंस, जो कि साइन बोर्ड्स होते हैं उनको पेंट किया करता था अराउंड द टाउन, उसी शहर में आसपास। सूरज ऑफन टीज्ड हिम। सो सूरज किसका मित्र हो गया? अरुण का। सूरज ऑफन मीन्स अक्सर और टीज होता है मजाक उड़ाना। सो सूरज जो उसका मित्र था अक्सर वो मजाक उड़ाया करता था, टीज्ड हिम सेइंग कहते हुए, दिल्ली माइट नॉट बी फार बट आर यू श्योर इट इज़ रेडी फॉर यू, कि दिल्ली माना कि दूर नहीं है बट आर यू श्योर क्या तुम। सो श्योर मीन्स हैविंग नो डाउट, निश्चित होना किसी चीज़ के लिए, लेकिन क्या तुम निश्चित हो, तुमको पक्का यकीन है, इट इज़ रेडी फॉर यू कि दिल्ली जो है वो तुम्हारे लिए तैयार है। सो मजाक में कह रहा है कि चलो माना कि दिल्ली दूर नहीं है, मंजिल तुम्हारी दूर नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि दिल्ली तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, इट इज़ रेडी फॉर यू। अरुण इस तरीके से उसका मजाक उड़ाता था। अरुण वुड लाफ एंड रिप्लाई, इस पर अरुण हंसा करता और जवाब दिया उसने, वन डे आई विल शो यू, एक दिन मैं तुमको दिखा दूंगा, आई ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई विल की, एक दिन मैं तुमको दिखा दूंगा, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए, डायरेक्ट स्पीच जो डायलॉग चल रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक दिन मैं तुमको दिखा दूंगा, ये अरुण ने हंसते हुए कहा, रिप्लाई दिया। वन चिली इवनिंग, एक ठंडी शाम, अरुण हर्ड एक्साइटिंग न्यूज़ इन द मार्केट, अरुण ने सुना, हियर का पास्ट टेंस हो गया हर्ड, अरुण ने सुना एक्साइटिंग न्यूज़, एक खुश भरी खबर, रोमांच भरी खबर, इन द मार्केट, मार्केट में सुना, अ पब्लिशर एक प्रकाशक इन दिल्ली जो कि दिल्ली का था, वॉज लुकिंग फॉर फ्रेश टैलेंट। लुक फॉर ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ को ढूंढना, यहाँ पे है वॉज लुकिंग फॉर, वो ढूंढ रहा था फ्रेश टैलेंट, टैलेंट मीन्स प्रतिभा और यहाँ पे फ्रेश होगा कि नई, बिल्कुल फ्रेश प्रतिभा को ढूंढ रहा था, कोई नया आदमी जिसमें कि प्रतिभा हो। एनकरेज्ड बाय सूरज एंड फिल्ड विद enthusiasm, so encourage means प्रोत्साहित होकर, by सूरज, सूरज के द्वारा, and filled with enthusiasm, इसका मतलब होता है उत्साह और जोश, so जोश से भर के, filled है उत्साह से भर के, जोश से भर के, अरुण decided, अरुण ने फैसला किया to send his stories, अपनी कहानियाँ भेजने के लिए, hoping, ये आशा करके, they would reach the publisher, कि वो प्रकाशक तक पहुँच जाएंगी, and spark इंटरेस्ट, और प्रकाशक में रुचि जगाएंगी, इंटरेस्ट का होता है रुचि और स्पार्क क्या होता है जगाना, यहाँ पे स्पार्क का मीनिंग क्या हो गया जगाना, रुचि जगाना, इंटरेस्ट जगाना, तो ये वो आशा करता था। वीक्स पास्ट, हफ्तों बीत गए, एंड देयर वाज नो रिस्पांस, रिस्पांस का मतलब होता है कोई उत्तर या प्रतिक्रिया, सो हफ्तों बीत गए कोई भी उत्तर नहीं आया। Disappointed and uncertain. Disappointed means निराश होकर और uncertain हुआ जिसकी स्पष्ट जानकारी ना हो। Disappointed निराश होकर और अनिश्चित होकर, ठीक है, निश्चित है ही नहीं, उसको जानकारी नहीं है, तो disappointed होकर, निराश होकर और अनिश्चित होकर, अरुण felt his dreams slipping away. अरुण को लगा, महसूस हुआ कि उसके सपने जो है slipping away means हाथ से निकल जाना। सो उसको लगा कि उसके सपने उसके हाथ से दूर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। सूरज कॉमा है, नोटिसिंग हिज फ्रेंड्स डिसहार्टन्ड लुक, और यहाँ पे फिर से कॉमा है, तो हम सूरज तो है ये, और उसके बारे में और जानकारी दी गई है कि सूरज उसका फ्रेंड था, नोटिसिंग हिज फ्रेंड्स डिसहार्टन्ड लुक, डिसहार्टन्ड हो गया हतोत्साहित, मतलब निराशा से भरी। सो नोटिस किया, उसके ध्यान में जब आया उसके दोस्त की हतोत्साहित या निराशा भरी जो लुक थी उसके फेस पर, रिमाइंडेड हिम, अब ये देखो कॉमा के बाद आ गया रिमाइंडेड हिम, सो उसको याद दिलाया,
हम सीधे भी बोल सकते हैं सूरज रिमाइंडेड हिम, सूरज ने उसको याद दिलाया, लेकिन सूरज ने कब याद दिलाया उसके बारे में और जानकारी दी गई है दो कॉमास के बीच में। सूरज जिसने कि अपने फ्रेंड की जो दुख भरा एक्सप्रेशन था उसके फेस पर, ठीक है, उसको देखकर, उसको नोटिस करके उसने याद दिलाया उसको, अरुण रिमेम्बर, याद रखो, दिल्ली इज़ नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं है, मीन्स आपकी मंजिल आपके पास ही है। समटाइम्स ड्रीम्स टेक टाइम, कभी कभार हो सकता है कि सपने साकार होने में समय लें, ड्रीम्स टेक टाइम, बट दैट डजंट मीन दे आर आउट ऑफ रीच। सो लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, दैट डज नॉट मीन, उसका ये मतलब नहीं है दे आर आउट ऑफ रीच, कि वो आपकी पहुंच से बाहर हो, कि आपके सपने साकार ही ना हो। आउट ऑफ रीच मीन्स पहुंच से बाहर होना। जस्ट एज होप सीम्ड फेंट, होप मीन्स आशा, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना या लगना, और फेंट होता है धुंधला या धूमिल, कम पड़ जाना, फीका पड़ जाना। जस्ट एज, जैसे ही, होप सीम्ड फेंट, आशा धूमिल होती हुई नजर आई, आशा धूमिल होने लगी, अ लेटर अराइव्ड, एक पत्र आया, अराइव्ड ये भी सेकेंड फॉर्म है अराइव का। इन्वाइटिंग अरुण टू दिल्ली, इन्वाइट मीन्स आमंत्रित करना, तो आमंत्रित करते हुए अरुण को दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए। हिज एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड्स, सो देखिए ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड्स मीन्स उत्साह की कोई सीमा ही न रही, यहाँ पे है हिज, उसके उत्साह की कोई सीमा ही नहीं रही। बाउंड क्या है, बाउंड्री से बना है, बाउंड्स मतलब सीमाएं, सीमा नहीं रही, सो उसकी उत्साह की सीमा ही नहीं रही या खुशी की सीमा नहीं रही। विद अ स्मॉल बैग एंड हिज हार्ट फुल ऑफ ड्रीम्स, छोटा सा बैग और उसका दिल जो कि सपनों से भरा था, ही बोर्डेड, बोर्डेड मतलब सवार होना, वो सवार हुआ एक ट्रेन में दिल्ली के लिए। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक छोटे से बैग के साथ और अपने सपनों से भरे दिल के साथ वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ, ट्रेन में चढ़ गया। लीविंग बिहाइंड पीपल नगर, पीपल नगर को पीछे छोड़ते हुए, ही टुक हिज फर्स्ट स्टेप, टेक का वर्ब सेकेंड फॉर्म है टुक, उसने लिया अपना पहला कदम टूवर्ड्स की ओर, अचीविंग हासिल करने के लिए हिज ड्रीम्स, अपने सपने। सो पीपल नगर को पीछे छोड़ते हुए उसने अपना पहला कदम उठाया सफलता की ओर, फॉर अचीविंग हिज ड्रीम्स, अपने सपनों को साकार करने के लिए, सपने हासिल करने के लिए। द जर्नी वॉजंट ओनली अबाउट रीचिंग दिल्ली, जर्नी यात्रा, रीचिंग पहुँचना, सो ये जो यात्रा थी ये केवल दिल्ली पहुँचने के बारे में नहीं थी, अबाउट के बारे में नहीं थी, इट वॉज अबाउट करेज, सो ये यात्रा थी, यहाँ इट जो है प्रोनाउन है जर्नी के लिए, ये तो यात्रा थी अबाउट करेज, साहस की, परसिस्टेंस दृढ़ता, दृढ़ निश्चय बना के रखना चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, परसिस्टेंस एंड द बिलीफ, और एक बिलीफ यहाँ पे बोल सकते हैं विश्वास, दैट कि इवन द स्मॉलेस्ट टाउन्स, कि सबसे छोटे शहर भी कैन होल्ड, पकड़ के रख सकते हैं, होल्ड वैसे होता है पकड़ना, यहाँ पे है कैन होल्ड द बिगेस्ट ड्रीम्स, सो वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि संजो के रख सकते हैं, कैन होल्ड मीन्स संजो के रख सकते हैं, बिगेस्ट ड्रीम्स सबसे बड़े सपने। पूरी लाइन का हम मतलब फिर से समझेंगे, इट वॉज अबाउट करेज परसिस्टेंस एंड द बिलीफ, सो ये जर्नी की बात हो रही है कि ये जर्नी, ये यात्रा जो थी वो सिर्फ दिल्ली पहुँचने की यात्रा नहीं थी, ये तो साहस की यात्रा थी, ये दृढ़ता की यात्रा थी, और इस विश्वास के बारे में यात्रा थी कि सबसे छोटे शहर भी बड़े बड़े सपने संजो के रख सकते हैं। अरुण रियलाइज्ड, अरुण को समझ में आया, दैट द डिस्टेंस टू सक्सेस इजंट मेजर्ड बाय माइल्स, रियलाइज्ड सेकेंड फॉर्म है रियलाइज की, सो इसका मतलब क्या हुआ, समझ गया अरुण, समझ गया डिस्टेंस दूरी की, दूरी सफलता के लिए जो दूरी होती है, सफलता की तरफ जो दूरी होती है, इज नॉट मेजर्ड बाय माइल्स, वो मीलों से तय नहीं की जा सकती या मीलों से नापी नहीं जा सकती, मेजर्ड मतलब नापी नहीं जा सकती, बट बाय द विल टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, विल मीन्स इच्छा शक्ति, लेकिन ये तो मापी जाती है विल, इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते रहने की,
टू कीप मूविंग फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ते रहना, और विल क्या है, इच्छा शक्ति। सो इस लाइन का मतलब हुआ कि अरुण ने महसूस किया, उसको समझ में आया कि सफलता जो है उसकी दूरी मीलों से नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति से मापी जाती है। सो कभी हो सकता है कि सफलता मिलने में बहुत टाइम लग जाए, लेकिन अगर इच्छा शक्ति होगी तो वो वाला डिस्टेंस भी हम आसानी से पार कर सकते हैं। बस हमको ये तीन चीज़ों का याद रखना है, करेज साहस बना के रखना है, परसिस्टेंस दृढ़ निश्चयी बन के रहना है, और अपने आप में विश्वास रखना है, तो हमको मंजिल ज़रूर मिलेगी और दिल्ली हमारे लिए पास ही होगी। फ्रेंड्स, अब जो स्टोरी में डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स आए थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। डस्टी डस्ट से बना है, धूल से भरा। क्रैम्प्ड होता है तंग या संकरा, जिसमें ज़्यादा जगह ना हो, संकरा, ठीक है। क्लोज्ड स्पेस, ब्रोकन टूटा हुआ। बिलीव्ड विश्वास करता था, पास्ट टेंस में है। एम्बिशन महत्वाकांक्षा, पेंटर चित्रकार। टीज्ड मजाक उड़ाना, चिली ठंडी। एक्साइटिंग न्यूज़ रोमांचक समाचार। पब्लिशर होता है प्रकाशक। एनकरेज्ड प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, हौसला बढ़ाना। एंथुजियाज्म जोश या उत्साह। स्पार्क इंटरेस्ट रुचि जगाना। डिसअपॉइंटेड निराश हो जाना। अनसर्टेन अनिश्चित। डिसहार्टन्ड हतोत्साहित, ठीक है, निराशा से भरा। होप उम्मीद, इनवाइटिंग आमंत्रित करना। इंटरव्यू साक्षात्कार। एक्साइटमेंट उत्साह जोश। न्यू नो बाउंड्स, ये तो एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है, सीमाओं से सीमित न रहना, कोई सीमा न रहना। बोर्डेड सवार होना, या बोल सकते हो कि किसी पे चढ़ना, बस या ट्रेन पे चढ़ना, प्लेन, बोर्डेड यूज़ करते हैं, सवार होना। करेज है साहस। परसिस्टेंस दृढ़ता। रियलाइज्ड समझ गया। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी, दिल्ली इज़ नॉट फार। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।